इसको देखेंगे तो इतने कम 40% अधिकारी वो 100% लोग बता, फिर भी कहीं ना कहीं चुप से फिर भी उनको मेरे बहन बोल देती थी समझ देना पड़ोगी कोई, वो भी समझ देते थे, लिमिट हो गई थी उनको भी, इधर ट्रांसफर हुई थी उधर पटाखे भोले थे हमारे वहाँ के अधिकारी ऐसे नहीं ऐसा भी है कि आपका ट्रांसफर होने से कुछ लोग हमेशा मैं आपके लिए दुआ करूंगी, आप मेरे लिए दुआ से हमारी भांजी और भांजी की शादी छोड़ने वाले हो हिंदी में ये आपका 1.5 साल का कार्यकाल मालेगांव में गुजरा, कैसे गुजरा? और 5 जून 2017 को मालेगांव महानगर पालिका में आयुक्त करके मेरी जो पोस्टिंग हुई थी उसके बाद मैंने 1.5 साल में जो भी मुझे सहकार्य मिला, नागरिकों का सहकार्य मिला, नगर सेवकों का सहकार्य मिला, महापौर महोदय हो या आमदार महोदय का सहकार्य है, मंत्री महोदय का सहकार्य मिला, सभी नगर सेवकों का सहकार्य मिला, सभी पत्रकारों का, सभी ऑफिसर्स और कर्मचारी, और इस वजह से जो भी आज हम काम कर सके या कुछ मुकाम हासिल कर सके उसके लिए मैं मालेगांव वासियों का सबका धन्यवाद करती हूँ और बहुत बधाई देती हूँ कि उनके आगे के कार्यकाल के लिए। यहाँ पे हमने कम से कम 1.5 साल में 67 करोड़ का मुनाफा महापालिका को करके दिया है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है जाते समय कि जो भी महसूली उत्पन्न था उसमें बहुत बड़ी तादाद में 67 करोड़ मतलब बहुत बड़ी बात होती है, इतना मुनाफा महसूली उत्पन्न में हो चुका है। मालेगांव शहर ओडी फ्री हो गया, जो हमने 1.5 महीने में सभी अधिकारी और पत्रकारों की मदद से वो ओडी फ्री करवाया, और उसके बाद हमें महाराष्ट्र शासन की तरफ से कि उसका सर्टिफिकेट मिला, बाद में ओपन डेफिकेशन फ्री सिटी करके केंद्र शासन का पुरस्कार मिल गया जो महापालिका के लिए बहुत गर्व की बात थी। उसके ऊपर हमने NDTV ने हमारी डॉक्यूमेंट्री बनाई और वो NDTV पे दिखाई गई। उसके बाद जो नेशनल लेवल का प्रोग्राम था जो माननीय अमिताभ बच्चन साहब के साथ, उसमें हमें एज अ म्यूनसिपल कमिश्नर बुलाया गया और ओपन डेफिकेशन फ्री सिटी का वहाँ पे प्रेजेंटेशन देने की संधि मिली। उसके बाद हमने स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2018 उसमें महानगर पालिका का लास्ट ईयर का स्वच्छ सर्वेक्षण में जो क्रमांक आया था वो 239 था, वो हमने इस साल 98 क्रमांक पे आए, और इतनी बड़ी तादाद में हमारी स्वच्छता और बाकी सभी बातें जो है जो केंद्र शासन ने सराही, और केंद्र शासन के स्तर पे हमें 2 पुरस्कार मिले, 2 अच्छी तरह से सराहना हो गई 2 बार। और दूसरी बात है कि सबसे इम्पॉर्टेंट था कि आर्थिक शिस्त लगाना, जो महापालिका के गलत काम हो रहे थे वो सब हमने रुकवाए थे, उसमें 272 काम जो थे कैंसिल किए थे और उसमें 39 कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने ब्लैकलिस्ट किया था। ब्लैकलिस्ट करने के बाद बाकी सभी कामों में भी बहुत ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब ढूंढ के 237 काम जो रुके थे उसमें 11-12 कोटि का हमारा फायदा हो चुका था। ऊपर से हमने 1560 काम जो है वो काम के सोशल ऑडिट करवाए, उस वजह से भी सभी गलत कामों पे रोक आ गई थी, और इसके बावजूद जो भी टैक्स कलेक्शन होता है महानगर पालिका के नागरिकों से, वो टैक्स कलेक्शन का टैक्स न बढ़ाते हुए इस साल का जो कलेक्शन है वो लास्ट ईयर से 80% ज़्यादा था, मतलब 80% कलेक्शन इस साल हुआ है जो लास्ट तक मतलब आज तक महानगर पालिका के इतिहास में 39% था, वो हमें 80% तक
हम लेके आ गए हैं और इसमें बहुत बड़ी तादाद में हमने मतलब एक बड़ा मुकाम हासिल कर दिया। इस वजह से हमारे अधिकारी और कर्मचारी इतने कम होने के बावजूद भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद अदा करती हूँ। और जो भी आज तक बाकी काम हुए हैं उसमें हमने NULM में हमारे महापालिका का दो चार बार फर्स्ट क्रमांक आया था। जैसे कि IHSDP योजना है, जो IHSDP में बहुत सारे 7000 घर पुल जो बांध के तैयार थे, 7-8 साल से वो काम चल रहा था, उसमें शिफ्टिंग नहीं हो गया था। अभी हमने बहुत ज़्यादा उसमें कार्रवाई करके कम से कम 1000 या 1100 लोगों को चाबी दे दी है घर की, और अभी तक 600-700 लोग वहाँ पे शिफ्ट भी हो चुके हैं। तो ये बड़ी बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। दूसरी बात है कि हमने जो STP है, शहर का पानी, पूरा गंदा पानी नदी में जा रहा था, उसके लिए 88 करोड़ का हमारा अभी बजट टेंडर निकला है। और वो टेंडर में हम 2 STP बना रहे हैं और उसमें एक बड़ी मतलब बहुत बड़ा बदलाव शहर में आने वाला है कि पूरा गंदा पानी शहर में जाने नदी में जाने से अभी इसके बाद बचेगा। और उसके बावजूद हमने पानी पुरवठा की जो स्कीम थी वो सब स्कीम में पानी की जो राइजिंग मेन है या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वो सब डाल के 58 करोड़ का काम उसमें भी अच्छी तरह से किया है। जो अभी 12 राइजिंग मेन जो इस ESR है अभी चालू हो जाएंगे और उसके बावजूद उसके बाद महानगर पालिका को अच्छी तरह से पानी मिलने वाला है। और NULM का हमने एक जो बेघर लोग होते हैं, जिनको सहारा नहीं मिलता, भिखारी लोग होते हैं, उनके लिए हमने हमने एक निवारक केंद्र बनाया, उसमें उनको रोजगार देने की कोशिश की है और उनका भिखारीपन जो है वो दूर करने की कोशिश की है हमने। और इस वजह से बाकी जो एक फ्लाईओवर है और जो बड़ी तादाद में अभी बन रहा है उसमें 33% हमारा काम अभी हो चुका है 7-8 महीने में। और महापालिका की नई बिल्डिंग है जो जहाँ पे हम अभी बैठे हैं वो बिल्डिंग हमने तैयार की थी, तो पहले से तैयार थी लेकिन उसमें हम नई तरह से शिफ्ट होके यहाँ पे अभी काम शुरू किया है। तो ऐसी सभी योजनाएं जो है वो नगर पालिका के माध्यम से, जो महानगर पालिका के माध्यम से जो भी हुई है उसमें मुझे पॉलिटिकल लोगों का, जो नगर सेवक है, महापौर साहब है, आमदार साहब हो, मंत्री साहब हो, सबका सहकार्य मिला। और ऊपर से हमारे अधिकारी कर्मचारी जिनके पास 4-4, 5-5 चार्ज थे उन्होंने भी अच्छी तरह से काम किया, इसलिए ये सब हम हासिल कर सके। और पत्रकारों ने बहुत सारा सहकार्य दिया कि स्वच्छ सर्वेक्षण में हो या स्वच्छ अपना ओडीफ्री में बहुत ज़्यादा कोशिश की उन्होंने कि हमने उनका जन जागृति करने के लिए। और दूसरी बात है कि कल अपंग दिन सेलिब्रेट हुआ तो कुछ बातें जो हुई, तो अपंगों के लिए हमने पहली बार यहाँ पे मालेगांव महापालिका में शुरू की है। जैसे कि जो अपंग लड़की है उसके लिए शादी के लिए पैसे देना, या तो फिर कुछ बेग जो जिसके पास काम धंधा नहीं है उन लोगों के लिए काम देने के लिए हमने 10-10 हज़ार रुपये अपंग लोगों को महापालिका से दिए। कल हमने कुछ स्पर्धाएं ली अपंग लोगों की। तो इस वजह से, इस तरह से हम जो भी काम करते थे सब साथ मिलके, नगर सेवक हो या महापालिका के अधिकारी हो या NGO हो या नागरिकों का सहकार्य हो, सब ने मिलके साथ दिया, इसलिए वो हासिल हो सका। और जाते समय बहुत खुशी है कि मालेगांवकर बहुत ही अच्छे लोग हैं, मालेगांव के लोग, जो मुझे बाहर से आते समय सुनाई दिया था कि मालेगांव में ऐसा होगा, वैसे होगा, ये तकलीफ आएगी, वो आएगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं और बहुत अच्छी तरह से मेरा यहाँ का कार्यकाल गुजर गया। मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि यहाँ पे आपकी तरक्की ऐसी होती रहे और अल्लाह हमारी दुआ कबूल करे। धन्यवाद।